एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया था इंटेलीसेंस करके इसकी टेक्नोलॉजी आती है। उसमें क्या है कि सपोज़ आपने ये गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और इसका जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आपने एक्टिवा में देखा होगा वैसे ही मिलता है, साइलेंट है एकदम, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है इसकी, ठीक है। या आप इसका एग्जॉस्ट सुनेंगे, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी साइलेंट है। और स्टार्ट होता है तो कोई ऐसी, जैसे पहले आपने देखा होगा कि स्टार्ट होने में बहुत आवाज़ आती थी, वैसे ही आपको इसमें आवाज़ नहीं मिलेगी। और सपोज़ अभी आप ट्रैफिक में रुके हुए हैं और गाड़ी जो है आइडल हो रखी है, तो इस बटन को जैसे मैंने ऑन कर रखा है, ये देखेंगे आप, ये ए वाला इसमें यहाँ पे ऑन हो रखा है, तो इससे क्या है कि जैसे ये 2 मिनट 1-1.5 मिनट होंगे गाड़ी अपने आप ऑफ होने लगेगी। तो जब तक ये ऑफ होती है मैं आपको इस गाड़ी के जो है बाकी फ़ीचर्स के बारे में बता देता हूँ, बाकी जो इंजन रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है। ये इंजन जो है ये एयर कूल्ड है और BS6 कंप्लायंट है, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, ETFI इंजन जिसको हम बोलते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है 8.15 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 10.5 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। तो देखेंगे आप, ये गाड़ी अभी बंद हो गई है, जैसे अभी जैसे मैंने देखा, तो ये देखेंगे ए जो है ये सिंबल आ चुका है, देख सकते हैं हम, ये गाड़ी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप जब भी ट्रैफिक में रहेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, अगर ये स्विच आप ऑफ कर देंगे तो ये बंद नहीं होगी, ठीक है। ये इसलिए होती है ताकि आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी उसको मेंटेन करें और गाड़ी अननेसेसरी चले ना। तो अब मेरे को अगर ये चलाना है गाड़ी को तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट ये ब्रेक को दबाना है और एक्सीलेटर देना है। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं आप गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छा फीचर है, आपका माइलेज बेटर मिलेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको इसका जो फ्यूल टैंक है, एक्सटर्नल फ्यूल लीडर, इसको कैसे ओपन करना है। गाड़ी का जो पोजीशन है, इस की का पोजीशन है, उसको आपको ऑफ में रखना है और अंदर की ओर प्रेस करना है, और आप देखेंगे यहाँ पर जो है फ्यूल टैंक खुल जाता है, काफ़ी आसान है इसको खोलना। और इस टाइप से आप पुश करेंगे तो ये बंद हो जाता है। एक बार मैं आपको फिर से खोल के दिखाता हूँ, अंदर पुश करना है इस की को और उसके बाद ये फ्यूल टैंक खुल जाता है, और इस टाइप से आप पुश करिए जस्ट और ये बंद हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपको इसमें मिलती है, यहाँ पे जो है आप अपना फ़ोन को रख सकते हैं वाइल चार्जिंग फ्रॉम दिस सॉकेट, ओके। और एक और अच्छा चीज़ मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ भी मिल जाता है। जैसे सपोज़ आपने गाड़ी चला रखी है और ये गाड़ी में साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो बीप की साउंड एक आ रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये लोगो भी बन के आ चुका है कि इसमें अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो जैसे आप इस साइड स्टैंड को हटाएंगे तो उसका जो बीप है वो हट जाता है,